संबर रोड सर्वे नंबर 42 में हुई। इस मासूम बच्चे के साथ जो हुआ, पूरे शहर ने, पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे इंडिया ने यह चीज़ देखा। एक बच्चा 7-8 दिन से लापता रहता है और उसकी लाश चांदोड़ के घाट के अंदर मिलती है। हमको मालूम है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, आरोपी को अटक किया। इसके पीछे और कौन कौन है, इसके लिए हम आज पुलिस को मिलने के लिए आए, कैंडल मार्च लेकर आए कि भाई हमारा ये भी मुद्दा, अगर इसके पीछे कोई भी होगा उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार करना चाहिए और एक मुकदमा 2 साल 5 साल वाली कोर्ट के अंदर नहीं चलना चाहिए। और उसकी तो पहली बात, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए। पुलिस ने पूरी ताकत लगा के रखना चाहिए कि अगर इसका जामीन होती है तो मालेगांव शहर का लैंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। ऐसा हमारा मुतालबा है कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई सही सिम तो जा रही है। कल मेरी एडिशनल एसपी साहब से बात हुई थी, आज हम लोगों को इस मासूम बच्चे के लिए आना पड़ा। हमारा दूसरा मुतालबा यह भी है कि कुसम्बा रोड के ऊपर जो बूढ़ी औरत और उनके शोहर का जो कत्ल हुआ था, आज तक के उसके आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। हम लोग पुलिस से ये भी मुतालबा करते हैं कि भाई शांत और अमन पूर्वक तरीके से मालेगांव शहर का रहवासी रह रहा है, वो चाहता है कि शहर के अंदर अमन रहे, उसके लिए हम आपके पास आए, विनंती लेकर आए कि साहब जो कुसम्बा रोड के ऊपर हुआ उसके लिए भी आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसा हमारा मुतालबा है। आज एडिशनल एसपी साहब आप बोले नहीं है, हम लेटर दे रहे हैं कि भाई ये सदर जमुड़िया तक के हमारा लेटर पहुँचाया जाए, महाराष्ट्र सरकार तक हमारा लेटर पहुँचाया जाए कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर मुकदमा चलाया जाए। और ये आवाम, छोटे बच्चे सब आज यहाँ, बूढ़े सब यहाँ पर आए, हमारा मुतालबा है कि उसको फांसी की सजा होना चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए। ऐसा मुतालबा लेके हम आपके पास आए।